तो मैं आज बात करने वाला हूँ जो कि है बेटी वर्सेस यूट्यूबर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूंगा कि मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। ये बहुत ज्यादा अगली होते जा रहा है। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तू क्या क्रिएटर बनेगा, इसको कंटेंट बोलते हैं। अबे ये थोड़ी ना कंटेंट है, ये तो कितना क्रिंजी है। क्रिएटर कौन है? क्रिएटर वो होता है जो कोई प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाता है। और रही बात कंटेंट की, तो जो क्रिएटर वीडियो बनाता है वो होता है कंटेंट। अब वो कंटेंट कैसा भी हो सकता है, फनी, सैड, रोमांटिक, अच्छा, बुरा या फिर क्रिंजी। चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपको पता है मैं दोनों भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ, टिकटॉक पे भी एंड यूट्यूब पे भी, एंड दोनों प्लेटफॉर्म के अलग फायदे हैं। टिकटॉक पे कंटेंट मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए बनता है, कॉमेडी वीडियोस, रोमांटिक वीडियोस, कोई स्पेशल मैसेज वाले वीडियो, सैड वीडियो, हुक स्टेप्स वाले वीडियो एंड एजुकेशनल वाले वीडियोस भी होते हैं। रोस्ट कल्चर को समझो, रोस्टिंग उनकी होती है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। एक स्टार्ट और एंड में बोल दिया, मैं रोस्ट बना रहा हूँ। अरे भाई अपना साइड क्लियर कर रहे हो आप खाली, जबकि जिसको गाली दे रहे हो ना वो बंदा। इन द एंड हम सब क्रिएटर्स हैं, चाहे हम जो भी प्लेटफॉर्म पे हो, हम लोगों को एंटरटेन करना है। लेट्स नॉट हेट, लेट्स क्रिएट। हमारा एक मेजर अकेले तुम्हें तुम्हारे डराने और हराने और मारने के लिए काफी है, समझ रहे हो ना? एक मेजर काफी है। तुम भागो जहां भागोगे। आपकी जो मानसिकता है ना, आप जितने बड़े डरपोक हो, आप अपने आप को देखो आज, इतनी बेइज्जती आपकी हो रही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू गाइस।